भैया देख के वो बच गए। हे गाइस वेलकम बैक। सो भाई हो गई अपनी सुबह बढ़िया वाली। एंड देखो डियारा को उबासी भी आ रही है। उबासी कैसे ले रही डियारा? पापा। सो डियारा लोग के जाने का टाइम हो गया, तो अभी हम लोग सब सामान वामान नीचे लेके जा रहे हैं। तो चलो सी ऑफ करके आते हैं इनको। बाय बाय करते सबको। कहाँ जा रहे हो आप? सो गाइस साहब लोग के जाने की तैयारी हो गई है। एंड डियारा को देखो कैसे बैठी है। डियारा गुड मॉर्निंग, जा रहे हो? तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। ग्यारह यार अब जा रहे हो आप? मत जाओ ना यार। गाइस अम्मा भी जा रही है, अब अम्मा आप आएंगी अगले महीने। चलो आराम से जाओ, हम आपको याद करेंगे। मैं भी तो याद करूंगी। सामान रख लिया सारा? मम्मी स्कूल के लिए निकल रही है। यार तुम तो ऊपर सेब खाने आए थे, आधा घंटा लगा दिया। अरे मैं थोड़ा ना खा रहा हूँ, तुमसे उसको याद आ गया। सैंडविच बनाना है सैंडविच। और अम्मा आप भी ऊपर आ गए, हम दोनों नीचे बैठे हुए, मैं और मोनिका। पापा ने तो सैंडविच बोला था। यार तो साहब बता दो, हम नीचे बैठे हैं तब से यार, आधा घंटा हो गया। मैंने कहा बना दो तो मेरे मन में रह जाएगा। तो आधा घंटा हो गया यार। तो इसने पॉटी कर दी, मुझे आ गई। तो ये देखो पापा का सैंडविच। मुझे भी खाने का पता। मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मेरे मन में ख्याल आ रहा जल्दी नीचे आए, जा क्यों नहीं रहे ये। मैं कहा ये क्या बोल रहा हूँ मैं। सो गाइस फाइनली जो है सामान वामान सब रख दिया गया है। हेलो बाय, एंजॉय, बाय, एंजॉय। मेरा रील्स का पार्टनर यही रह जाएगा। चलो बढ़िया दो, बाय बाय। Had a feeling we had something, could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you. तो एक बार फिर जो है हम निराश होकर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि साइबर लोग चले गए हैं और सबसे बड़ी बात डियारा चली गई है। तो भाई अलग ही सीन है यार, वो रहती है ना घर में तो रौनक सी अलग ही बनी रहती है। तो आई एम फीलिंग बैड। सो फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, क्योंकि आपको पता ही है अब तो सुबह जाना है जिम। तो अभी मैं उठ गया हूँ, तो लेट्स गो वर्कआउट करके आते हैं। सो गाइस ऑल सेट फॉर जिम, करके आते हैं वर्कआउट। एंड धीरे धीरे ना रूटीन जो है वो आता जा रहा है, वर्कआउट का भी और वैसे भी। तो हो जाएगा एक दो दिन में और तो परफेक्ट हो जाएगा। सो गाइस मस्त वर्कआउट चल रहा है। एंड आज जो है अपना बाइसेप्स का वर्कआउट है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। मज़ा आ रहा है। सुबह के वर्कआउट इज़ वेरी डिफरेंट शाम से, बहुत ज़्यादा। अभी तो मस्त मज़ा सा आ रहा है, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस आ गए घर पे वापस वर्कआउट करके। मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है इस टाइम पे। मैं आता था डियारा को आवाज़ मारता था, और यहाँ पे मोनी भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग यार, डियारा तो है ही नहीं यार। कितना सुना सुना सा लग रहा है यार। अम्मा भी चली गई घर पे, सिर्फ मैं और मोनी रह गए हैं। चलो यार आज अपना नाश्ता जो है हम खुद बनाएंगे, एंड जो है खुद खाएंगे अकेले। वरना साहिबा दी तो इतने दिन से साहिबा बना देती थी यार, आराम से जो भी बोलो वो बना देती थी। मेरे को याद आ रही है उन लोगों की। डियारा वे नीचे बच्चों की आवाज़ आ रही है ना, मेरे को लगा डियारा अभी सही में। चलो चलो। सो गाइस यहाँ पे देखो कितना खतरों का खेल हो रहा है। ये हमारे घर के बिल्कुल साथ में बिजली का खंभा है, और यहाँ से तारे काट रहे हैं, क्योंकि इन सब तारों की वजह से ना इस पोल में करंट आता था। तो जितनी भी एक्सेस वायर्स हैं वो सब निकाल रहे हैं। तो भैया लोग सही है भाई, यहाँ पे वो कितना गुंजल सा फैला हुआ है यार। और ये सब ये हाई टेंशन वायर है, ये वाली जो हमारे घर के सामने जा रही है। तो अभी कंप्लेन हुई है तो ये लोग हटा रहे हैं एक्स्ट्रा वायर्स फालतू के। वैसे तो लाइन काटी हुई है, लाइट आ नहीं रही है, बट स्टिल यार कितना डेंजरस काम है। बाबू कैसे ऊपर चढ़े पड़े हैं यार वो।
और यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है मेरा मोनिका का। मोनी खा रही है अंडे, मैं खा रहा हूँ एग वाइट। खुची बाबा वो कैसा लग रहा है सब मियाँ घर पे यार, अगर रबर बैंड फूल वाला। सो गाइस ब्रेकफास्ट के बाद सीधा मैं आपसे मिल रहा हूँ डिनर टाइम पे, क्योंकि यार ये देखो पीछे जो है वो रात हो चुकी है एंड जो है यार अपने ऑफिस के टाइमिंग जैसे हो गए हैं कि मेरा दोपहर का पूरा टाइम जो है वो ऑफिस के टाइम पे ही निकल जाता है। बट फिलहाल थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सामान वामान लेने मार्केट, क्योंकि मम्मी ने बोला कि सामान लेके आना है और मम्मी का सामान तो आपको पता ही है। और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा क्योंकि मेरी डियारा चले किसी का भी मन नहीं लग रहा यार, मेरे को तो बिल्कुल लिटरली ऐसे लग रहा है कि ना घर खाने को दौड़ रहा है यार। अम्मा भी नहीं है, कुछ नहीं है। पता है मैं बाहर निकला अभी थोड़ी देर पहले, मैंने लाइट्स जलाई हैं ये सारी, बिल्कुल घर अंधेरा पड़ा हुआ था। कमरे में गया वहाँ अंधेरा, सब कुछ एकदम डार्क हो रखा था, तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। बट खैर कोई नहीं यार, देखो वो थोड़े टाइम के लिए आए हैं, वो भी तो अपने घर वापस जाना ही है ना उनको। बट यार ग्यारह की ना साहिबा वगैरह की तो चलो ठीक है आती रहती है यार, बट ग्यारह की जो याद आ रही है ना भाई, लिटरली मैं हर सेकंड जो है ना इमोशनल होता जा रहा हूँ। बट कोई नहीं, सो फिलहाल अभी जो मैं जा रहा हूँ मार्केट एंड जो है सामान वामान लेके आते हैं एंड थोड़े छड्डू मार के आते हैं, दिखाते हैं आपको। बड़े दिन से रामपुर की गलियाँ देखी नहीं है आपने, तो आओ थोड़ा सी मोटो व्लॉगिंग कर लेते हैं। एंड गाइस ये वही जैकेट है जो हमने खरीदी थी विशाल मेगा मार्ट से, बहुत सही है यार। सो यार मेरे को तो बड़ी सही सी लग रही है ये ऐसे हाफ स्लीव जैकेट ना, तो बताना कॉमेंट सेक्शन में सही लग रही है या नहीं लग रही। मेरे को तो सही लग रही है, और गर्म भी है यार, काफ़ी गर्म है ये, काफ़ी गर्म। अगर एज अ इनर भी इसको पहनोगे ना बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं विशाल मेगा मार्ट के स्टाफ की तरफ बात करूँ तो भाई बहुत भड़क रहा है बहुत भड़क रहा है ये कपड़ा। बैठो सगाई दे, देखो यहाँ पे स्केटिंग चल रही है मस्त। स्टंट तो करके दिखा कोई, स्टंट तो करके दिखा स्केटिंग में। 6 तारीख को नगर कीर्तन है, तब स्टंट सिखाऊंगा। चलो ठीक है, यहाँ पे नगर कीर्तन है तो स्टंट्स भी होंगे। स्केटिंग की प्रैक्टिस चल रही थी एंड यहाँ पे वार्निंग का साइन लग गया। मम्मी यहाँ पे आ रही है गैस लाइन, गैस पाइप लाइन आ रही है भैया हमारे घर के पास। सही है भाई, सही है। चलो यार चलते हैं, थोड़ा चड्डू वड्डू मार के आते हैं बढ़िया एकदम एंड जो है घुमा के लाते हैं रामपुर की गलियां आपको। मैं भी नहीं घुमाऊँ भाई, ये तो सब जगह खोद दिया यार इन्होंने। अरे मम्मी ये तो बहुत वो कर देंगे यार, अब धीरे धीरे पूरी हमारी कॉलोनी खुद जाएगी पाइपलाइन के चक्कर में। पर कोई नहीं यार, अच्छी बात है हो रहा है तो ये चीज़ सही है। एंड गाइस यार इस रूटीन ने तो मेरी बैंड बजा दी है यार, ना मेरी नींद पूरी हो रही है ना मेरा वर्कआउट सही से हो रहा है, क्योंकि एकदम से चेंज हो गया ना यार। कहाँ मैं इतने 2 महीने से शाम में वर्कआउट कर रहा हूँ और एकदम से मैं दिन में चल जा रहा हूँ। आज भी मेरे साथ यही हुआ, मैं वेट उठाने की कोशिश कर रहा था बट हुआ, बट नॉर्मल सा हुआ। सो गाइस ये अपने सब्सक्राइबर भाई लोग हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं बढ़िया। सो गाइस यहाँ पे आए केले लेने, सो गाइस केले तो ले लिए, मम्मी वहाँ पे शरीफे ले रही हैं। हो गई चले। सो नेक्स्ट स्टॉप इज अमरूद स्टॉप। अमरूद को वैसे देख के ना ऐसे लगता है कि ना ये भाई प्रॉपर जंगलों का फ्रूट है, क्योंकि ये लगते हैं ऐसे ना पत्तों के बीच में। केले वेले सब अलग हो जाते हैं, ये प्रॉपर लगता है कि भाई ये अभी तोड़ के लेके आए हैं जस्ट। ओए केले गिर गए केले गिर गए केले। अबे यार पचक गए क्या सारे, बच गए। सो गाइस केले गिर गए। अरे भैया देख के, ओए बच गए भाई रिक्शा एकदम से गिर गए यार, पन्नी से निकल गई है, पन्नी फट गई है यार। सो गाइस हमारे केले वापस आ गए हैं बेचारे यार उसके अरे यार ये तो पूरे पुचक गए। बता यार कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार, मैं कहूँ एकदम से ही मेरे हैंडल से कुछ निकला है, केले गिर गए बताओ।
गाइस ये जैकेट यार बढ़िया सी लग रही है यार, मतलब मैंने तीनों कलर ले लिए तो वो बेस्ट हो गया, तो तीनों जो है वो मैं पहन सकता हूँ। मुझे तो मस्त सी लग रही है यार जैकेट देखने में, और पहनने में भी यार आप बताओ कितनी सही, एकदम कंफर्टेबल सी है, बढ़िया। थोड़ी सी इसकी लेंथ छोटी है बट ओवरऑल इट्स गुड, अमेजिंग। सो गाइस आगे डिनर करके बढ़िया एकदम रूम में, एंड जो है अब एडिटिंग करने बैठूंगा क्योंकि अब मेरे को जल्दी सोने की आदत डालने की, सुबह जल्दी उठना होता है ना जिम के लिए। तो हाँ, सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा।